आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आग की बढ़ रही घटनाओं को लेकर अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन बनाने का कार्य जोरों से चल रहा है। फतेहाबाद रोड बमरौली कटारा के पास फायर स्टेशन के लिए एडीएम सदर ने पैमाइश कर जमीन उपलब्ध करा दी है। शहर देहात में दिनों दिन आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आग की बढ़ रही घटनाओं को लेकर अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। फतेहाबाद रोड पर बमरौली कटारा के पास फायर स्टेशन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए एडीएम सदर ने पैमाइश कर 3000 से अधिक वर्ग गज जमीन उपलब्ध करा दी है। बमरौली कटारा में जल्द ही फायर स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बताया गया है कि किरावली फतेहाबाद और खेरागढ़ के चीत गाँव में फायर स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बाह बरहन ईदगाह संजय प्लेस में पहले से ही फायर स्टेशन संचालित है, लेकिन फतेहाबाद ताजगंज खेरागढ़ क्षेत्र में आग लगने पर ईदगाह स्टेशन से ही दमकलों को लेकर फायर कर्मियों को दौड़ लगानी पड़ती है। फतेहाबाद किरावली खेरागढ़ और बमरौली कटारा में फायर स्टेशन खुलने के बाद आग पर तत्काल काबू पाया जा सकेगा। फायर स्टेशन पर फायरमैनों की कमी काफी संख्या से चल रही है, लेकिन अब फायरमैन की भर्ती हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद 23 फायरमैन ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। दिन रात ड्यूटी करने वाले फायरमैन को भी राहत मिलेगी। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।